एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है मैंने आपके द्वारा ही पिक किया है कि नोज कास और मेडर्मा में से ज़्यादा बेटर क्या है। देखिए, दोनों का काम सेम ही है स्कार्स के लिए, ठीक है। मेडर्मा भी स्कार्स पे काम करता है और नोज कास तो भाई स्कार्स पे काम करता ही करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि दोनों में से बेस्ट क्या है। अब अगर आप में से कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जो मेरी अगर सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं बट मेरी वीडियो देखते ज़रूर हैं, है ना। तो भाई क्या जाता है, पैसे थोड़ी लगते हैं सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को जो भी अगर नया इस वीडियो को देख रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर है, मेरी वीडियो देखते, तो उन्हें पता होगा कि इन दोनों में से बेस्ट क्या है, ठीक है। और जो भी ये मुझसे पूछा गया है कि मेडर्मा नोज कास में से बेटर क्या है, तो ये नए लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ पूछी है मुझसे, और जो पुराने लोग हैं तो उन्हें पता ही है कि क्या बेटर है, ठीक है। तो देखिए, स्कार्स पे दोनों ही काम करते हैं, दोनों का सेम रिजल्ट है, ठीक है। फेस दोनों ही रेड करते हैं, लेकिन जो मेडर्मा है ये स्किन को बहुत ज़्यादा रेड कर देती है। इसके थोड़े से रिजल्ट जो है ना, वो थोड़े से मेलास से मिलते हैं, ठीक है। जो अल्ट्रा मेलास की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बड़ी बड़ी ख़तरनाक क्रीम है भाई, जैसे साइड इफेक्ट छोड़े मेरे फेस पे, अभी भी साइड इफेक्ट है उसके मेरे फेस पे, ठीक है। तो मेलास अल्ट्रा डे क्रीम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेलास क्रीम की बात कर रही हूँ जो इस तरह की है, ये छोटी सी, ठीक है। तो थोड़े से मेडर्मा के जो रिजल्ट है ना, ये मेलास से थोड़े से मैच करते हैं, वो भी जो स्किन को रेड करती है, मतलब उससे, ठीक है। बाकी स्कार्स में अच्छा काम है मेडर्मा का। स्कार्स की अगर प्रॉब्लम है आपके फेस पे, तो आप मेडर्मा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और सेम अगर हम नोज कास पे जाएं, तो नोज कास भी बहुत अच्छा वर्क करती है, ये स्किन को ज़्यादा रेड नहीं करती, तो उसके रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और पिगमेंटेशन पे मेडर्मा को तो मैं नहीं बोल सकती कि पिगमेंटेशन पे इसका वर्क रहेगा, कि स्किन को ये पील ऑफ बहुत लेट कर पाती है, मतलब ये पहले परत बनाती है फिर निकालती है, लेकिन नोज कास जो है ना, वो बिना परत बनाए स्किन को पील ऑफ करती है, और आपको पता भी नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वाइट वाइट लगेगा आपको, और नोज कास के रिजल्ट आपको जल्दी भी मिलते हैं मेडर्मा के मुकाबले, ठीक है। तो स्किन वाइटनिंग में दोनों ही काम करते हैं, लेकिन जो बेटर स्किन वाइटनिंग का काम है वो नोज कास का है, है ना। मतलब जैसे देखा जाए कि इसमें मैंने मेडर्मा ट्राई किया, इसमें मैंने नोज कास ट्राई किया, अब मैं देखूंगी कि स्किन वाइटनिंग में मेरा सबसे अच्छा मतलब किस में रिजल्ट मिल रहा है, तो नोज कास में ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो मतलब कुल मिला के कोई भी रिजल्ट रहा, और दोनों का मैं बता दूँ, एक्ने पे कोई भी वक्त नहीं है। अगर आपके फेस पे एक्ने हैं, तो मेडर्मा तो एक्ने को नहीं करेगा बिल्कुल भी सही, ठीक है। लेकिन नोज कास है तो ये एक्ने को थोड़ा सा कम कर सकता है, लेकिन ये मतलब इस पे आप नहीं रह सकते कि एक्ने को ये ठीक करेगा, ठीक है। काफ़ी टाइम लगा देगा ये एक्ने पे, ये स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट है स्कार्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए नहीं है। इन दोनों के रिजल्ट में इसलिए भी आपको बता पा रही हूँ क्योंकि इन दोनों क्रीम को मैंने खुद ट्राई किया अपने स्किन पे, तो इसलिए मुझे इसके रिजल्ट आज भी याद है। मेडर्मा तो मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, उसका रिजल्ट मुझे आज भी याद है, ठीक है। और नोज कास तो मेरा चलता रहता है, जब भी मेरे फेस पे साइड इफेक्ट आता है तो मैं इसे ही ट्राई कर लेती हूँ, साइड इफेक्ट चला जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बेटर है, मेडर्मा बेटर है या नोज कास बेटर है। तो नोज कास ज़्यादा बेटर है। अगर आप दोनों में से एक ट्राई करने के सोच रहे हैं, तो आप नोज कास ट्राई कीजिए, क्योंकि नोज कास प्राइस भी कम है, मेडर्मा का प्राइस बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी बहुत कम आती है, ठीक है। आप एक बार लोगे फिर दोबारा फिर हिम्मत नहीं होती है लेने की, कि भाई इसे ले या ना ले, लेकिन नोज कास आप इजिली ले सकते हो, ठीक है। और नोज कास आप वन एम जी से ही लीजिएगा, ये जो फ्लिपकार्ट हो गया अगर वहाँ मिल रही है, या फिर अमेजन पे मिल रही है, तो यहाँ से आप इसे बाय ना करें, ठीक है। वन एम जी से बाय कर सकते हैं, या फिर आप नोज कास तो आपको मेडिकल पे ईजली बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, नोज कास आपको आराम से मिल जाएगी। सबसे अच्छी क्रीम है वो नोज कास है, जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने किसी नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।